फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मटर मशरूम की बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से मटर मशरूम। मशरूम मैंने आधा किलो ली है, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और 4 पीसेस में 4 पीस में कट किया है, और 2 टमाटर रफली चॉप किए हुए, 1 कटोरी मटर और 2 प्याज, 2 से 3 प्याज आप ले सकते हैं, उनको भी रफली चॉप कर लें आप। और मसालों में हम लेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मीट मसाला। मीट मसाला आप जरूर डालें, उससे इस रेसिपी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और लेंगे हम 1 चम्मच सौंफ, सौंफ को मैंने पीस लिया है कसूरी मेथी, अदरक लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ले सकते हैं, मैंने 2 ही ली हैं। जितना आपको पसंद है मसाले डालना उतना ही आप डालें। 1 चम्मच जीरा और सरसों का तेल लगभग 100 ग्राम यानी कि 3 बड़े चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे 1 भगोना, आप कुकर भी रख सकते हैं, लेकिन हम उसमें सीटी नहीं लगाएंगे, तो गैस को ऑन कर देंगे और उसके अंदर तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अभी तो तेल हमारा गर्म है, सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, अदरक लहसुन हरी मिर्च आप इसको मशरूम स्टू में बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे, बिल्कुल दम पर पकाना है इसे। एक बार इसको मिक्स कर देंगे। बाद हम डाल देंगे अपने मशरूम, इनको भी मिक्स करेंगे। ना मसाला भूनने का चक्कर, बहुत टेस्टी बनती है ये इस तरह से अगर बनाएंगे। जो हमारे पास पिसी हुई सौंफ है उसको भी डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप पानी। चला देंगे एक बार। 1/2 कप और डालूंगी, 1/2 कप पानी और डालेंगे। अब हमें इसे ढककर पकाना है कम से कम 1/2 घंटे। इस पे हम थोड़ा वेट रख देंगे, इसको अच्छे से ढक देंगे, भाप जो है बाहर नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको
20 से 25 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं हमारी सब्जी को पकते हुए, अब हम इसको देखेंगे। देखिए सभी चीज हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और 2 से 3 मिनट अब इसको हम इसी तरह से पकाएंगे। मटर हमारी अच्छे से गल गई है और मशरूम भी। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये पनीर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।